तो सबसे पहले मैंने कबूतरों को खोल दिया और इस साइड पे मिट्टू को ऊपर ले आया हूँ, और मिट्टू का केज मैंने साफ कर दिया है और इन्हें को भी बाहर रख दिया। तो अब इनको दाना डालते हैं, अंदर जाके ज़रा लव बर्ड को देख लेते हैं। लव बर्ड दाना खा रहा है, दाना थोड़ा सा ही और डालते हैं इसको, फीमेल वो छुप छुप के देख रही है और पानी भी इनका ख़त्म है तो डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं जाके पैरट्स कॉलोनी खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी बर्ड्स को दाना डालता हूँ और मुर्गे भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुर्गों का आज मेरे ख्याल से हमारे घर पे आखिरी दिन हो या शायद कल आखिरी दिन हो, क्योंकि हम मुर्गे देने वाले हैं वापस, क्योंकि हम इन्हें संभाल नहीं सकते। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हमने नया केज बनवाया है और इसमें हम सारे के सारे पैरट्स रखेंगे और मुर्गे नहीं रखेंगे। मुर्गों के लिए हमने कुछ और सोचा हुआ है, पर वो अभी थोड़ा उसको टाइम है। जब पिजन्स का नया घर बनेगा तो उसके साथ मुर्गों का भी नया घर बनेगा, तब हम मुर्गे रखेंगे। तो पैरट्स छोड़ कर इनको मैं जल्दी से कॉलोनी खोलता हूँ और दाना डालते हैं, टाइम हो गया इनके दाने का। कॉलोनी भी खुल चुकी है और माशाल्लाह से पिजन्स भी हमारे खुल चुके हैं। ये देखिए नया पेयर है हमारा, मेल के पर फुल हो चुके हैं, अभी उड़ना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, पर ये अभी पक्का नहीं है घर का, तो इसलिए इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं हमने। तो सबसे पहले मैं कॉलोनी और लवबर्ड का खाना लेके आता हूँ, कॉलोनी में डालते हैं, फिर लवबर्ड को और रिंगने को वहाँ से डाल देंगे साथ से, उसके बाद फिर पिजन्स और मुर्गे रह जाएंगे उनको डालेंगे। तो इनका दाना आ चुका है, तो जल्दी से अब बाहर चलते हैं। रिंगनेक का खाना भी मैंने उठा लिया है, तो लवबर्ड को डालेंगे, रिंगनेक साथ ही है तो रिंगनेक को भी उधर से डाल देंगे, बाकी मुर्गे बच जाते हैं पीछे, ये इनके काम चेक करें। अपना दाना उधर छोड़ के और अपनी जगह छोड़ के इधर आके घुस जाते हैं पिजन सारे। तो उस दिन मैंने यहाँ से सफाई तो की थी, देखें साफ सुथरा हो गया, पर ये जो केज इधर पड़े हैं इनकी सफाई अभी होना बाकी है। जब हम लवबर्ड को भी बाहर शिफ्ट कर देंगे और रिंगनेक को भी बाहर शिफ्ट कर देंगे कम्प्लीटली, तो ये जगह खाली हो जाएगी, फिर इसको हम सारे केज वगैरह निकाल के और सारी जगह धोएंगे। मिट्टू को ताज़ा ताज़ा मैंने पानी डाला है, अभी तक ये नहाया नहीं है, पर ये ज़रूर नहाएगा, क्योंकि जब इसको ताज़ा पानी डालो ये नहाने शुरू हो जाता है। तो रिंगनेक को खाना डालते हैं, ये लो रिंगने का पानी बहुत है, मिट्टू को भी चीज डाल देते हैं। मिट्टू और रिंगने का तो खाना डल चुका है, हाँ शोर ना करो खा लो अब। तो अब चलते हैं अंदर, बाजरा उठाते हैं। उससे पहले ऐसे करते हैं कि पानी वाला जो काम है पानी वाला काम कंप्लीट करते हैं, जिस जिसको पानी चाहिए, क्योंकि लवर्स को पानी चाहिए अभी ज़्यादा, क्योंकि उनका पानी बिल्कुल ख़त्म है। पिजन्स को मैंने आते ही डाल दिया था और मिट्टू को भी डाल दिया था, रिंगने को पहले का डला हुआ है, हमारे मुर्गों को डालना है और उसके बाद मैंने लव बर्ड को। तो मुर्गों को डालते हैं, थोड़ा थोड़ा कवर ऊपर कर लेते हैं जब तक दाना डालने के लिए, उसके बाद फिर नीचे कर देंगे। तो कवर मैंने थोड़ा थोड़ा हटा दिए इनका, तो पानी डालते हैं पहले इसको भी, इसको भी। पानी मैंने तीनों को डाल दिया है, अब डालते हैं लव बर्ड को पानी। तो फीमेल आके नहाएगी, मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, पानी ज़्यादा डल चुका है और नीचे गिर रहा है सारा। वो अंदर जा रहा है बॉक्स में फीमेल को बताने कि आज वो बाहर, पानी आ चुका है, नहा लो, स्विमिंग पूल तुम्हारा बन गया। तो पानी वाला काम ख़त्म हो चुका है, दाने का काम स्टार्ट करते हैं अब। ये मुर्गे जो छोटे वाले हैं ये तो ऐसे शोर करते हैं जैसे वो मुर्गी नहीं बोलती जब अंडा देने लगती है, या अंडा देने वाला होता है, कौ 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 इस तरह शोर कर दिए वो। कभी कभी मुझे शक होता है ये मुर्गियाँ ही तो नहीं है कहीं। जी कैसे हो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, दाना डालने लगाऊँ आपको। इसका हर टाइम बस ये होता है कि मैं इसको मारने लगूं। आराम से दाना डाला है ना वो खाओ, अभी गंदी हरकतें, मुंह मारेगा इधर, पानी गिराएगा, फिर बहुत गंदी हरकतें इनकी, समझ नहीं आती कि मैं क्या इलाज करूं इनका। दो को डाल दिया, तीसरा रह गया है, पिजन से मेरे पीछे पीछे आ गए।
चलो सब ओके, सब उधर चलो, चले जाओ, चलो इधर पीछे पीछे आ जाते हैं मेरे। ये लो बस आखिरी टाइम है तुम लोगों के, आज या कल दाना जितना मर्जी है खाना है खा लो। अब बारी हमारे पिजन्स की, तो पिजन्स को दाना डालते हैं। पिजन्स को दाना डल चुका है, ब्लैक बेबी पिजन अंदर बैठा हुआ है, बाकी सारे बाहर आ चुके हैं। तो अंदर चल के मैं भी देखता हूँ कि और किसने अंडे या बच्चे निकाले हैं। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, ये बैठी हुई है और इसने दो अंडे अपने पूरे कर लिए ब्लैक फीमेल ने। बाकी ये भी बाहर गई हुई है, ये भी फीमेल बैठी हुई है, ये भी फीमेल बैठी हुई है और इसने भी दो अंडे पूरे किए हुए हैं, ये भी दो अंडे। बाकी इसने भी अंडे दे दिए, वो देखिए बैठी हैं कितनी, मतलब हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन पेयर्स ने अभी हमारे अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। और इस दफ़ा दोनों ने सारों मतलब दो दो ही अंडे दिए हैं। अब देखते हैं बच्चे कितने निकलते हैं, चलते हैं बाहर। तो बाहर हमारे सारे पिजन्स दाना खा रहे हैं मिलजुल के, ब्लैक बेबी पिजन भी बाहर आ चुका है। और इस साइड पे क्या हो रहा है, शोर क्यों चल रहे हैं ये? तो जो मेल डव है वो अंडों पर बैठा हुआ है, वो देखें। बाकी सब अपनी अपनी मस्ती में गुम है। फिंच नज़र नहीं आ रही कि किधर है, मेरे हाथ से उस मटकी में फिंच, मेल फिंच ने फिर मुंह में पार उठाया हुआ है, नेस्ट बना रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।